हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मदर्स लाइफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबका मोस्ट फेवरेट इवनिंग स्नैक मैक्रोनी फ्राई। स्पेशली बच्चों को पसंद आता ही आता है ये मैक्रोनी फ्राई। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी इसलिए लिया है क्योंकि ये सूजी का बना होता है। आप यहाँ पे कोई भी स्पाइरल या पैनी पास्ता का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट। तो मैक्रोनी फ्राई बनाने के लिए हमें एक पतीले या पैन में पानी को गर्म करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैक्रोनी के अकॉर्डिंग 6 कप वाटर लिया है। तो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 स्पून नमक डालेंगे और फिर उसमें 1 स्पून ऑयल डालेंगे और पानी को गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तब उसमें हम लोग 1 कप मैक्रोनी को डालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पानी गर्म करके ही जब उसमें बॉयल आने लगे तब मैक्रोनी को डालना है, ठंडे पानी में नहीं डालना है। अब इसे 7 to 8 मिनट्स तक कुक करेंगे। आफ्टर 7 to 8 मिनट्स हम लोग चेक करेंगे। ध्यान रखना है हमें इसे 80% ही कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है। अब हम लोग इसे ड्रेन आउट कर लेंगे और उसमें 1 ग्लास वाटर, चिल वाटर, ठंडा पानी डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस वहीं रुक जाए। अब अलग से इसे हम लोग एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मैक्रोनी पे कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट हो जाए। अब एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे और कोटेड मैक्रोनी को डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन आ चुका है, मीन्स ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग बाकी मैक्रोनी को भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही करना है और लाइट ब्राउन आने तक करेंगे फ्राई इसको। ये देखिए लाइट ब्राउन आ गया है। अब इसे हम लोग फिर से प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बना है। अब अभी मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम लोग रेड चिली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और ब्लैक पेपर को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैक्रोनी फ्राई में मिलाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर भी आ गया है और मैक्रोनी फ्राई मेरा बनके तैयार भी हो गया है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितने चटपटा सा लग रहा है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, तो ज़रूर इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मैक्रोनी फ्राई कैसा लगा। तो चलिए मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।